दौर शुरू हुआ दूसरे राउंड का, उसके पहले तो एक राउंड हम किए ही हुए हैं, अब उसका फिर हम देखेंगे कि कितने का कंप्लेन आया और कितने कंप्लेन पर एक्शन हुआ, कंप्लेन सही था गलत था, क्या उनका नतीजा निकला, एक एक चीज पर करेंगे समीक्षा, छोड़ेंगे नहीं हम एक भी चीज को। और अगर अपनी तरफ से जो भी जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं तो उन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और तो उसके लिए तो हम लोग करेंगे। लेकिन हम फिर भी दोहरा करके कह रहे हैं, अनेक जगहों पर लोग पकड़ते हैं, तो पकड़ते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमने कहा कि कुछ जगहों पर क्यों नहीं दिया एक्शन, भाई लिया क्यों नहीं देखता है उस तरह से, तो इसलिए एक एक चीज पर बात हो रही है। और दूसरी बात है कि बताइए, अपना कर रहा है गांव में धंधा, शराब पैदा करता है, उसको बनाता है, उसको बेचता है, अब अरे देखिए कितना गंदा चीज बना करके बेच रहा है, कितने लोगों की जान चली गई, तो जान चली गई तो उनको भी सोचना है ना कि ये सब चीज मत पियो, पियोगे तो किस तरह का तुमको दे रहा है, कौन दे रहा है। हाँ, लेकिन जो गड़बड़ करता है, एक एक जगह की जानकारी लेकर के इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए जितना भी संभव है एक्शन करना जरूरी है। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद ये मानना कि हर आदमी सही हो जाएगा ये तो संभव नहीं, ये तो हम बार बार कहते हैं, आइए आप सब लोगों की बात जानकारी कि कितना भी कुछ कीजिए कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, लेकिन नज़र रखिए, कोशिश करिए, तो वो तो हम लोग करेंगे कि उम्री काम करता तो यही सब नतीजा होता, कितना बुरा चीज़ है। बल्कि हम तो पूरे तौर पर पूरे राज्य में, और हमने तो आपको बता दिया कि एक मीटिंग तो हमने कर ली, और 16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है पूरे हर जिले से लेकर के सबका, पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे, और सबको कह दिया है कि एक एक चीज़ को देख लीजिए और कहाँ पर ये सब इंसिडेंट हो रहा है। कई जगह पर तो रोज पकड़ाता है, लेकिन जहाँ पर नहीं पकड़ाता तो मान लीजिए कि अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा है और अगर वो पकड़ाया 4 जिले के बाद, 2 जिले के बाद, 1 जिले, वहाँ क्यों नहीं पकड़ाया, कोई चीज़ आ रहा वहाँ क्यों नहीं देखा है। तो हमने ये बात कह दिया है सब लोगों को, DGP को, चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को ये बात कह दिया, संबंधित अधिकारियों को, कि इस पर एक एक चीज़ पर नज़र रख लीजिए कि कौन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है। हालांकि प्रतिदिन अनेक जगहों पर लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन एक एक चीज़ को देखिए और देखने के बाद जो ज़रूरी कदम उठाइए, जो इसके लिए जिम्मेवार है, जिसको ससमय करना चाहिए था, अगर वो ससमय नहीं कर रहा है कार्रवाई, तो उस पर भी एक्शन लेना, ये सब चीज़ तो करना है। और आप जानते हैं कि इतना काम किया जा रहा है और सब चीज़ के बावजूद इतना साल बीत गया है, तो अनेक लोग तो धंधा में रहता ही है, और कुछ लोग तो गड़बड़ी करने वाले, हम तो बराबर कहते हैं रहते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने शुरू में इतना अवेयरनेस लाया, लोग इसमें कितना सहमत रहे, आज भी सहमत हैं कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले लोग, सर्टेन लोग, तो ऐसी स्थिति में फिर से नए सिरे से और भी, मैंने दूसरी बार कि और ज़्यादा फिर अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करेंगे, एक तो एक्शन के लिए जिनको जिम्मेवारी हो करें, और दूसरा फिर बड़े पैमाने पर हम लोग चलेंगे, 16 तारीख को सब कुछ तय करेंगे कि पूरा का पूरा फिर से एक बार चारों तरफ पर, और महिलाओं के कहने पर सब कुछ हुआ तो हर जगह लोग देखे, कहीं पर भी हम लोगों ने कमेटी वगैरह सब बना दिया, भाई कोई कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा, या कंप्लेन कर रहा तो सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, हमने पिछली तो समीक्षा की थी, अब फिर तो करेंगे हम 16 तारीख, जितना समय लगेगा एक एक बात हमने बता दिया करेंगे, और इस पर जितना जो संभव है उचित कार्रवाई करने का वो जरूर करेंगे। और दूसरी बात है अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है करना। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।